केंद्र द्वारा संचालित योजना की समीक्षा हेतु केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी का गठन किया है, जिसमें जिले के वरिष्ठ सांसद चेयरमैन होते हैं। 12/11/2024 को जिला इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की बैठक RDFE योजना की समीक्षा के लिए आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मेरी ओर से की गई। मीटिंग निर्धारित समय पर शुरू हुई और 12:30 बजे समाप्त हुई। हालांकि बाद में विभाग द्वारा मीटिंग की समाप्ति के बाद पुनः बैठक आयोजित की गई, जो परंपराओं और नियमों का उल्लंघन है। इस प्रकार दोबारा बैठक आयोजित करना संसदीय परंपरा का अपमान है और एक चुने हुए सांसद की अवहेलना है। मैं इस मुद्दे पर संसद में अपना वक्तव्य देने हेतु अनुमति की अपेक्षा करता हूँ। देखिए, आज प्रेस वार्ता का कारण यह है कि जब जब संसदीय परंपराओं की अवहेलना होगी तो संसद का एक प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम संसदीय परंपराओं का संरक्षण भी करें और जनता के अधिकार को हम सुरक्षित भी करें। दिशा कमेटी के तरीके से केंद्र के द्वारा जितनी योजनाएं उत्तर प्रदेश और जिले में चलाई जाती है उसकी समीक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा, जैसे सभी विभागों की समीक्षा के लिए दिशा कमेटी बनाई गई है कि जिले स्तर पे, और बिजली विभाग में केंद्र के द्वारा अनुदानित सभी योजनाओं को उसकी मॉनिटरिंग के लिए जिला बिजली कमेटी बनाई गई, और उसका जो अध्यक्ष और चेयरपर्सन होता है उस जिले का वरिष्ठ सांसद होता है। यहाँ से संयोग से वाराणसी जनपद में वरिष्ठ सांसद के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी व्यस्तता के कारण पूर्व में निर्धारित डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। नियम और परंपरा यह है कि अगर वो अनुपस्थित रहेंगे तो उसी जिले का वरिष्ठ सांसद उनके चेयर को चेयर करेगा और अध्यक्ष होगा, और बाकी जिले के जो सदस्य हैं वो अपने क्षेत्रों की और जिले की समस्याओं को समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों के समक्ष रखेंगे और उसे निराकरण हेतु अपने प्रस्ताव को पर बल भी देंगे। पूर्व निर्धारित समय के अनुसार कल दिनांक 12 नवंबर को सर्किट हाउस में बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस जिला बिजली कमेटी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की बैठक आहूत की गई थी। वरिष्ठ सदस्य होने के नाते मैं वहां पर उसकी अध्यक्षता कर रहा था। मीटिंग का समय 11 बजे तय था। मैं ठीक 11:10 पे मीटिंग की शुरुआत की। समय से समाजवादी पार्टी के जो MLC हैं श्री आशुतोष सिन्हा, वो उपस्थित थे। विधायक टी राम के प्रतिनिधि श्री गौरव सिंह उपस्थित थे तथा
अनिल राजभर माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि भी उस मीटिंग में संजय सिंह उपस्थित थे। मीटिंग का एजेंडा प्रारंभ हुआ, जिलाधिकारी वहां उपस्थित थे और सभी एजेंडों पर अधिकारियों ने अपनी प्रस्तुति की और वहां पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय समस्याओं को भी रखा और किस तरीके से बिजली विभाग काम कर रहा है उसकी समीक्षा भी किया। अध्यक्षता के दौरान मुझे भी अवसर मिला, मैंने बिजली विभाग के अधिकारियों को 2-3 मुद्दे उनके सामने रखे। सबसे पहला मुद्दा था कि आप देश के प्रधानमंत्री के जिले के अधिकारी हैं, आप उपभोक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार रखें, इसकी अपेक्षा पूरा देश करता है। दूसरा बिंदु था कि जो लगातार 50% 48% लाइन लॉस बिजली विभाग के द्वारा दिखाया जा रहा है, यदि ये लाइन लॉस इंस्ट्रूमेंटल है तो इस पर विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई हो रही है, कहीं घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग तो नहीं हो रहा है या फिर तकनीकी कोई खामियां हैं जिसके कारण यदि 100 यूनिट उत्पादन एरिया से चलता है तो उपभोक्ताओं तक पहुंचते पहुंचते 50 यूनिट जो है रास्ते में ही लाइन लॉस हो जाता है, ये बड़ा चिंताजनक है। ये 13-14% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसको कम करने के लिए आप कोई योजना ले आइए, केंद्र सरकार को लिखकर भेजिए कि देश का पैसा है, हमारी चिंताएं वहां तक पहुंचाइए। जो मुद्दा था, हमने कहा कि स्मार्ट मीटर के जरिए जो उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है, गलत बिजली के बिल उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं और उनकी वसूली की जा रही है, प्राइवेट आपके जो रखे गए ठेकेदार हैं उनके द्वारा जो वसूली हो रही है, उत्पीड़न हो रही है, उसे रोका जाए। यदि बिजली का मीटर गलत है तो उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, उसे कितना दंड दिया गया, केबल जो लगाए जा रहे हैं केबल उसकी क्वालिटी क्या है जिसके कारण इतना लाइन लॉस हो रहा है। जब तमाम तरीके की टेक्नोलॉजियां बढ़ रही हैं जहां 100 वाट और 60 वाट के बल्ब से लोगों के घर रोशन होते थे, आज 11 वाट 15 वाट 0 वाट और 5 वाट 6 वाट के बल्ब का उपयोग हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद यदि बिजली का बिल देखा जाए तो बिजली का बिल जो है दूना और चौगुना आ रहा है। इसका कारण क्या है, बिजली की दरों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है लेकिन इसके बावजूद उपभोक्ताओं तक कैसे गलत बिजली के बिल जा रहे हैं और बिल को ठीक करने के नाम पर जो कर्मचारियों के द्वारा जो धन उगाही हो रही है वो धन उगाही बंद किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिले। इन सारी चीजों पर विधिवत विचार विमर्श के बाद सभी जनपद उपस्थित वहाँ जनप्रतिनिधि थे जिन्होंने अपनी अपनी राय दिया और 12:20 पर उस मीटिंग की समाप्ति की घोषणा की। लेकिन
आज अखबारों के माध्यम से मुझे पता चला कि मीटिंग के अध्यक्ष के मीटिंग समाप्त करने के बाद करीब 1.5 घंटे बाद एक साजिश के तहत बिजली विभाग के अधिकारियों ने पुनः मीटिंग प्रारंभ की, जो संसदीय परंपराओं का घोर अपमान है। इसके संदर्भ में हम प्रिविलेज का मामला उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत में उठाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा हूं और उसकी एक कॉपी केंद्रीय बिजली मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा यहां के कमिश्नर को भी मैं भेज रहा हूं। और मैं निंदा करता हूं आपके माध्यम से कि जो दलगत बांट करके जो अधिकारी ये कुचित खेल रहे हैं, अपने कमियों को जो छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, हम कतई उनको कामयाब नहीं होने देंगे। उनके इस कृत्य की हम निंदा करते हैं और इस मामले को लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष के सामने मैं उठा करके एक सांसद के अपमान का मामला, एक प्रक्रिया के अपमान का मामला, ये संसदीय परंपराओं का मामला, के अपमान का मामला, ये तीनों मामले हम उनके सामने उठा करके इस पर कठोर कार्रवाई के लिए जो है पत्र लिख रहे हैं। और आने वाले 25 तारीख से अगर लोकसभा चल रही है तो ये मामला सदन के अंदर भी गूंजेगा।